आजकल काफ़ी ज़्यादा यूथ्स डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं उसमें वो पोस्ट करते हैं कि भाई हमारे पास इतना बजट है, हमारे पास 2 लाख है, 4 लाख है, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन सा बिज़नेस करें, किस बिज़नेस के जो रिटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कौन सा बिज़नेस ईजी होता है। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस मैं डेली देखता हूँ, मुख्तलिफ जो बिज़नेस ग्रुप्स वहाँ पर फेसबुक या यूट्यूब वगैरह बने होते हैं, या फिर मुख्तलिफ जो यूथ है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे क्वेश्चन करते हैं, मुझे इनबॉक्स करते हैं कि सर हम कौन सा बिज़नेस करें, हमारी इतना बजट रेंज है, एक्सपर्टीज़ तो वो बात ही नहीं करते कि हमने एजुकेशन क्या की, या फिर हमारा स्किल्स किस में है, हमारा एक्सपीरियंस किस चीज़ में है। देखें, देखा देखी में किया जाने वाला हर काम, चाहे आप जो भी करें उस पर आप बिलियंस इन्वेस्ट कर दें, वो उसके 99% चांसेस हैं आप उसमें फ़ेल होंगे। फेल क्यों होंगे? देखें, हर काम को करने के लिए स्पेशल आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए। जब आपके पास एक्सपर्टीज़ होती है, एक्सपीरियंस होता है, स्किल होती है, और सबसे बढ़कर आपके अंदर एक पैशन होता है उस चीज़ को करने का, तो आप चाहे इन्वेस्टमेंट जितनी भी करें आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सक्सेस की वो सारी पूरी होती हैं। देखा देखी में अगर कोई आपको बताएगा कि भाई आप रियल एस्टेट करो, आप कंस्ट्रक्शन करो, आप कोई शॉप खोल लो, आप रिटेल स्टोर खोलो, या फिर आप IT कंपनी खोलो, जब तक आपके अंदर वो स्किल्स नहीं होगी, पैशन नहीं होगा, आपके अंदर एक जज्बा नहीं होगा, या फिर आप उसको एक करने की लगन नहीं होगी, तो आप कैसे उसको कर पाओगे? इन्वेस्टमेंट भले आपके पास जितनी भी हो, लेकिन ये चीज़ें अगर नहीं होंगी जो मैंने पहले बताई हैं 3-4 चीज़ें, तो आप कैसे उसमें सक्सेसफुल होंगे। और रही बात किसी दूसरे से पूछने की कि मैं ये बिज़नेस करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, इस तरह के लोग हमेशा नाकाम होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो देखा देखी को अडॉप्ट करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो ये काम हमेशा लीड्स टू फेलियर, आपको फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। अपने अंदर से पूछें कि मैं क्या करना चाहता हूँ। आप जो भी काम करें उसमें एटलीस्ट आपके कंट्री में आपसे बेहतर वो कोई ना करे, कंट्री को छोड़ें आप प्रोविंस में करें, कि आपके प्रोविंस में जो काम आप कर रहे हैं उसकी क्वालिटी किसी और की आपसे अच्छी नहीं होनी चाहिए। प्रोविंस को छोड़ दें, आप अगर सिटी में बात करें, हम तहसील या फिर डिस्ट्रिक्ट में, आपसे अच्छा वो उस फील्ड में कोई नहीं होना चाहिए। चलें, ये भी अगर एक लंबा लेवल हो गया काफ़ी ज़्यादा, आप इसको नैरो डाउन करें और अपने गाँव में देखें कि आप जो काम कर रहे हैं आपके गाँव में उस बिज़नेस की फैसिलिटीज़ आपसे अच्छी कोई नहीं दे रहा। जब आप इस फार्मूले को लागू करते हैं और इस पर वर्क करते हैं, तो आपकी जो सक्सेस होती है वो इनॉर्मस होती है, वो अबंडलेस, मतलब आपको अबंडेंस इतनी मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है, ट्रस्ट मिलता है, मोहब्बत मिलती है, और आपको जो ग्रोथ एक चार्ट होता है अगर उसको देखा जाए वो एक्सपोनेंशियल होता है। ये तब होगा जब आप दिल से करेंगे, ऑनेस्टली करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और पैशन से करेंगे, और सबसे बढ़कर अपने दिल और दिमाग और अपनी ज़ात से पूछ कर करेंगे कि ये चीज़ मैंने करनी है। जब वो करते हैं तो फिर वो हो जाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए 24/7 अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।